विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का स्पीकर देवनानी और सीएम भजनलाल ने पौधा देकर स्वागत किया। इसके बाद उद्घाटन सत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजनलाल ने संबोधित किया। और हमारे साथ संवाददाता दशरथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा। दशरथ, आज उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रबोधन कार्यक्रम में शिरकत की, अपने अनुभवों को नव विधायकों के साथ बांटा, किस तरह से सदन को चलाना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह से मर्यादित कार्यवाही जारी रहनी चाहिए, इन सब के उन्होंने अनुभव अपने विधायकों के साथ बांटे हैं। और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, क्या कुछ इस कार्यक्रम में रहा, कुछ जानकारी दीजिए। देखिए भानु, निश्चित तौर पे विधायकों के, खास तौर पे नवनिर्वाचित जो विधायक है उनकी एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है। प्रबोधन के रूप से कार्यक्रम को नाम दिया गया और खास तौर पे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से किया गया। समापन समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। लेकिन जहाँ तक उद्घाटन सत्र की बात करें, पहले सत्र की बात करें, तो धनखड़ ने खास तौर पे कुछ बातों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर जनता की जो आवाज़ है वो लोग उठाते हैं। और ख़ास तौर पे जब जनता की आकांक्षाएं, इच्छाएं या वो क्या चाहते हैं, विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पर यहाँ पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पीकर जो देवनानी है, जिनको स्पीकर बनाया गया है, वो खास तौर पे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो अपने बात कम शब्दों में यहाँ कह जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार से ईमानदारी से काम किया, उसी की बदौलत उनको ये पद मिला। और मुझे ये आशा और विश्वास है कि भजनलाल शर्मा इस पद पर बखूबी और अच्छे ढंग से काम करेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश अब बदल रहा है, देश में जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन हो रहा है। इशारों में उन्होंने मोदी सरकार की भी प्रशंसा की है। और जहां तक भजनलाल शर्मा के संबोधन की बात है बानू, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आचरण को लेकर या पक्ष विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मतभेद किसी विषय पर हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि कड़वाहट जो है वो मनभेद के रूप में किसी नेता, मंत्री, विधायक की नहीं होनी चाहिए। सभी का ये मोटा रहना चाहिए कि हर स्टेट में कैसे सरकार अच्छे से चले, लोग क्या आकांक्षा इच्छाएं रखते हैं वो पूरी हो। और ख़ास तौर पे राजस्थान की जहां तक बात है, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो हमारी सरकार है, निस्संदेह हमने जिस प्रकार से शपथ ली है कि बिना कोई धर्म, जात पात, नाम, इसके ऊपर उठकर हम काम करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे, प्रदेश के विकास के एजेंडे को हम यहाँ पर कह सकते हैं, संकल्प जो हमने लिया है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इससे पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से जो संबोधन किया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि राजस्थान विधानसभा का ये सौभाग्य रहा है कि राजस्थान विधानसभा में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो हर तरीके से साथ नजर आते हैं। और विधानसभा में अब तक सार्थक बहस हो पाई है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य गवर्नमेंट रहे, लेकिन सार्थक बहस अब तक होनी चाहिए। और जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर सभी अपनी बात रखते हैं, ये अच्छी बात है। और राजस्थान विधानसभा यानी कई ऐसे दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, ऐसे दिन देखे हैं जहां पर पक्ष और विपक्ष के साथ ही जो अन्य जो सदस्य हैं, जो निर्दलीय चुनकर आते हैं, अन्य पार्टियों से, क्षेत्रीय दलों से चुनकर आते हैं, उन सभी को यहाँ पर बराबर बोलने का मौका दिया जाता है, बराबर अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, ताकि राजस्थान की उन्नति, राजस्थान की बेहतरी में उनके शब्द या उनका काम जो है वो काम आ सके। कुल मिलाकर एक दिन का ये प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है जी। नवनिर्वाचित विधायकों की कार्यशाला है एक दिन की। और खास तौर पे इस बीच ये खबर भी है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में, तो कांग्रेस के ज्यादातर जो विधायक हैं वो इस कार्यशाला में आज नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुछ पूर्व विधायक हैं वो जरूर यहाँ आए हैं, उनको इन्विटेशन दिया गया था इस कार्यशाला के, जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। लेकिन पीसीसी चीफ की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या कांग्रेस के जो दिग्गज वर्तमान में विधायक हैं, वो विधानसभा नहीं पहुंचे।
अभी उद्घाटन सत्र और उसके बाद में दोपहर बाद समापन सत्र यहां पर होगा भानु जी, जिसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित करेंगे। भानु जी बिल्कुल, दशरथ उपराष्ट्रपति ने जो विधायक हैं उनको नए सदन में आने का भी न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ आइए, कार्रवाई को देखिए और इस नए सदन में कोरोना काल में महज 2.5 साल में किस तरह से इसको बनाया गया, क्या क्या आपको जानकारी यहाँ से मिल सकती है। आप ही नहीं बल्कि परिवार के साथ भी उन्होंने आने का निमंत्रण दिया है। निश्चित तौर पे लोकसभा दिल्ली की अगर बात करें तो नई जो संसद बनी है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, उसको लेकर भी अपने उन्होंने बात रखी है कि आप विधायक हैं, आप बाकायदा दिल्ली आइए, परिवार के साथ आइए और देश की सबसे बड़ी जो संसद है, देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, उसको आप देखिए, वहाँ की बातें सीखिए, वहाँ कैसे काम होता है। इस बीच स्पीकर ने भी आज ये बात कही कि पहले का जो जमाना था, पहले का जो समय था, उसमें पंचायतें लगती थी, राजा थे, प्रजा थी, अलग अलग मंत्री होते थे। आज के वक्त में वो रूप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के पास में, वही बातें, वही काम। और सबका मोटो, खास तौर पे उन्होंने कहा कि सबका मोटिव एक ही होता है कि अपनी जनता की सेवा वो कैसे करें, प्रदेश को विकास के पथ पर कैसे अग्रसर करें, कैसे राजस्थान और तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। कुल मिलाकर अलग अलग संबोधनों के माध्यम से भी तमाम जो वक्ता हैं, चाहे उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, स्पीकर हो, तमाम लोगों ने राजस्थान की जो विधानसभा, इसका जो गौरवमय इतिहास रहा है, उसको लेकर भी अपने विचार रखे हैं। भानु जी बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका तमाम जानकारी के लिए।